शरण बब्बर साहब, आप तीन चार पेपरों के मुख्य संपादक और स्वामी हैं। आप ये बताएं कि वर्तमान समय में आपने केजरीवाल पे बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और सीबीआई को शिकायत भी की है, ये क्या मसला है, जरा पूरी जनता को बताएं। जनाब बात ये है कि मेरे पास पुख्ता सबूत है और उन सबूतों का खुलासा मैं सीबीआई के सामने रखूंगा। मैं अगर जनतक कर दूंगा तो जो दिल्ली सरकार में बैठे हुए विज्ञापन विभाग में बड़े भ्रष्ट अधिकारी हैं वो होशियार हो जाएंगे। जी अच्छा, ये दिल्ली सरकार में जो ये केजरीवाल 2016 से लेके ये 21 चल रहा है, 5 साल से मनमाने तरीके से अपने चहेतों को विज्ञापन दे रहे हैं और बहुत अधिकारी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसमें जो समाचार पत्रों को लाभ मिल रहा है वो भी अन्यथा लाभ ले रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जनाब बात ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बात है पब्लिक का पैसा है, जनता का पैसा है, और जनता का पैसा एक बड़ी सोची समझी आपराधिक साजिश के तहत लूटा जा रहा है और उसके पुख्ता सबूत हैं मेरे पास और मैं रंगे हाथ लोगों को पकड़वा सकता हूं। और जो भ्रष्ट लोग एडवर्टाइजमेंट एजेंसियों के साथ मिलकर देश का रुपया लूट रहे हैं उन सब के बारे में हमारे पास सबूत हैं। अच्छा, अगर सीबीआई इस पे कोई संज्ञान नहीं लेती है तो क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार और शब्दार्थ के डायरेक्टरों के खिलाफ आप न्यायालय की शरण में जाएंगे? निश्चित, बिल्कुल निसंदेह, मैं इस मामले को अर्जेंट रिट पटिशन दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल करूंगा और अर्जेंट रिट पटिशन में मैं सीबीआई को, यूनियन ऑफ इंडिया को, सबको पार्टी बनाऊंगा, क्योंकि मैं सबको कह रहा हूं कि इस वक्त कम से कम 1000 करोड़ रुपयों का घोटाला है। बब्बर साहब, आप खुद एक पेपर के स्वामी हैं पूरे समूह के, ऐसी जो है लड़ाई लड़ने वाले आदमी के खिलाफ अक्सर सरकारें नकारात्मक रुख अख्तियार करके उसको बर्बाद करने की सोचते हैं, ऐसे में आप इन लोगों से कैसे निपटेंगे? सर ये तो कुछ भी नहीं है, इंदिरा गांधी मारी गई थी, उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर था, तब हमने इतना बड़ा संघर्ष किया और हमने लोगों के खिलाफ नामजद FIR रजिस्टर कराई और मेरे ऊपर 50 लाख का इनाम भी रखा गया था, हम तब नहीं झुके, ये तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अक्सर जो है सच की लड़ाई लड़ने वालों को ईडी, सीबीआई, पुलिस और सरकारी तंत्र से परेशान करते हैं, आपको डर नहीं लगता है? वो तो मदद, उनसे तो मैं मदद लूंगा, मैं तो मोदी साहब से, अमित शाह साहब से, होम सेक्रेटरी से, मैं सीबीआई से, ईडी से, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से सबसे मदद लूंगा और सबके पास जाऊंगा। अच्छा, आखिरी सवाल, आपको कब तक उम्मीद है कि सीबीआई आपके पत्र पे संज्ञान लेके अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देगी? बिल्कुल बहुत जल्द साहब, बात यह है सबूतों का मामला है, मैं होम मिनिस्टर से भी मिलने का प्रयास करूंगा और होम सेक्रेटरी से भी मिलने का प्रयास करूंगा।